सब सच बताता, कुछ न छुपाता। आईना 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 सबको निहारे, बिगड़ी सवारे। आईना 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 वरना कहाँ है तू? यहाँ बैठी है और क्या कर रही है तू? और ये क्या फिर से सिलाई? जब देखो तो कुछ ना कुछ करती रहती है। चल उठ खड़ी हो जा और काम पे लग जा। आई थोड़ी देर और। क्या थोड़ी देर लगा रखी है? चल उठ जा और काम पे लग जा, तंग आ गई मैं तेरी सिलाई से। आ मंजू आ, आ बैठ, बहुत दिन बाद दिखाई दी। आज बहुत जल्दी काम निपटा लिया। हाँ काकी, आज इनको काम पे जल्दी जाना था इसलिए काम जल्दी निपट गया। अरे सुवर्णा, तुम तो सिलाई अच्छी करती हो। काकी ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी सुवर्णा को सिलाई आती है। घर का छोटा मोटा फटा हुआ ठीक तो कर देती है। अब मेरा ही देखो ना, मुझे नहीं आती है तो बहुत तकलीफ होती है। अब क्या बताऊं मंजू तुझे, फटी हुई की सिलाई करे तब तो ठीक है, पर ये मरी तो सिलाई करने के लिए फाड़ती है। नहीं काकी, ऐसी बात नहीं थी, मैं देखना चाहती थी कि शर्ट में आस्तीन कैसे लगते हैं। इतना ही सिलाई का शौक है तो मेरे फटे हुए कपड़े भी दे जाती हूँ तुझे, अच्छी तरह से सिला देना। हाँ हाँ काकी, जरूर दे जाना, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सुवर्णा, अरे आओ काकी बैठो। मेरे कपड़े ठीक हो गए? हाँ काकी। ये कहाँ गए? हाँ ये लो काकी, ये लो तुम्हारे पैसे। अच्छा सिलती हो, ताई भी तुम्हारे काम की बहुत तारीफ कर रही थी। सचमुच अच्छा सिलती हो तुम, अब तो तुझे काफी काम मिलता होगा ना? हाँ काकी, काम तो मिलता है पर सब काम नहीं कर पाती, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और फिर हाथों से सिलाई करने में समय तो जाता है ना। हाँ ये भी सच है, हाथों से काम करने में बहुत समय लगता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम सिलाई मशीन क्यों नहीं खरीदती? कैसी बात करती हो काकी, ऐसी चीजें हमारे गांव में कहाँ मिलती। अरे तो तुम मुंबई क्यों नहीं चली जाती, वहाँ तो तेरा भाई भी रहता है ना। ये तो ठीक है पर मशीन कितने की आती होगी? होंगी तो महंगी ही आती होगी, 700-800 रुपए की। मंजू अब रहने भी दे, तू अब इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा। पर अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है, पर मैं, मेरा नाम सुवर्णा गंगाराम सावंत है, मैं राधवपुर तालुका की हूँ। छुटपन से ही मुझे सिलाई करना अच्छा लगता था। पहले मैं घर के लिए सिलाई करती थी पर जब मेरी सिलाई अच्छी हो गई तो पास पड़ोस के लोगों ने भी मुझे सिलाई करने को दे दी। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, इसलिए मैंने धीरे धीरे 600 रुपए जमा किए और अपने भाई के साथ उसके घर चली गई। आ गया? क्या हुआ, बात नक्की हुई कि नहीं? भैया भैया मेरी सिलाई मशीन खरीदने कब चलोगे? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए, आप है ना रोज टाल देते हो। हाँ हाँ चलेंगे, कहा ना। भैया आपको तो पता है ना, अभी तक मैं फटे पुराने कपड़े ही सिलती थी, पर मेरे पास अगर मशीन आई ना तो मैं नए कपड़े सिल पाऊंगी और 600 रुपए मैंने इसलिए तो इकट्ठे किए हैं। हाँ हाँ अब बात नहीं करती रहेगी या भैया के लिए पानी पिलाएगी?
अच्छा अब तो बताओ क्या हुआ, रिश्ता पक्का करके आए हो ना? हाँ रिश्ता तो पक्का कराया, पर लड़का सुवर्णा से बहुत बड़ा है और ये उसकी तीसरी शादी है। वो सब तो ठीक है, पर ये भी तो देखो कि वो लड़का कितना पैसे वाला है, और फिर हमें हमारी बेटी की भी सोचनी है। पर सुवर्णा मानेगी? उसे हिम्मत नहीं होती उसे बोलने की, तुम ही बोल देना। लो भैया। सुन तू तैयार हो जा, देवेंद्र जी को मिलने जाना है। देवेंद्र चाचा? अरे उनके लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अरे बताऊंगी, पहले वो तो देख मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई भाभी? मेरे लिए सिलाई मशीन। रेखा? अरे ओ रेखा जरा वरना की साड़ी लाना। तो भाभी पर ये साड़ी मेरे लिए क्यों? बस तू ये पहन ले, देवेंद्र जी को मिलने जाना है ना। भैया मुझे ये साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, आप चल के मुझे सिलाई मशीन ही दिलवा दीजिए। हाँ हाँ हम चलते हैं, पहले साड़ी तो पहन ले, देवेंद्र जी से मिलने जाना है। अच्छा अरे रेखा तू भी साड़ी पहन ले, देवेंद्र चाचा को मिल के मेरी मशीन खरीदने जाएंगे। रेखा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? और तेरे भैया भी नहीं जाएंगे जब तक तू ये साड़ी नहीं पहनती। अरे आप दोनों मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? और देवेंद्र चाचा को मिलने की क्या जरूरत है? मुझे तो मशीन खरीदनी है। वो तेरे चाचा नहीं है बगली, वो तेरे होने वाले पति है। क्या वो बुड्ढा मेरा पति? तू बुड्ढा हुआ तो क्या हुआ, तू राज करेगी राज। तो रेखा की ही शादी करवा देना उससे, वो भी तो राज करेगी राज। क्या क्या बोली? रेखा के बारे में ये बोली? तो तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? भैया मेरे 600 रुपए वापिस दो, मुझे अपने गांव जाना है। तेरे 600 रुपए कहाँ रहे? तेरी साड़ी उन्हीं पैसों की खरीदी है, अब चुप कर तैयार हो जा वरना है। कर रही है? अरे हमारे नसीब ही खराब है, जो एक की शादी की तो उसके पति ने उससे घर से निकाल दिया, और दूसरी अच्छा खासा रिश्ता ठुकरा के चली आई, पता नहीं अब इस कलमुनी का क्या होगा। शादी और एक बुड्ढे से, इससे अच्छा है कि मैं कुंवारी ही मर जाती। तो क्या जिंदगी भर तू कुंवारी रहेगी? आई तेरी एक बेटी को शादी करके क्या मिला, और वो बुड्ढा मुझे छोड़कर चौथी शादी नहीं करेगा, ऐसा किसने कहा? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, तेरी शादी होगी और उसी से होगी, मैं अभी तेरे भाई से खबर करती हूँ। आई तुम सुनती नहीं है? ठीक है आई, मैं तुम्हें अकेले जी के दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं उस घर का दरवाजा भी नहीं देखूंगी, मैं अपने सहेली के घर चली गई ये देखने के लिए कि और मुझे क्या काम मिल पाएगा। वहाँ उसके पिताजी ने मुझे कहा कि तुम आश्रम रहो, वे तुमको सिलाई की मशीन भी दे देंगे, तुम वहीं रह जाना। उन्होंने मुझे यहाँ आश्रम में लाके छोड़ दिया। शांताबाई तेंदुलकर के पास पुरानी मशीन थी, उन्होंने मुझे वो मशीन दे दी। अरे वरना कुछ देर के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, शायद कोई मेहमान आए तो उन्हें बिठा देना और चाय वाय पूछ लेना, और हाँ उन्हें आश्रम भी दिखा देना। समझ गई ना? तो हम चलते हैं, आप याद रखना।
आई है? तो फिर वनारसी भाई बड़े अजीब लोग हैं, उन्होंने हमें आज का समय दिया था। कहाँ गए? कुछ बता के गए क्या? वो बाजार कुछ काम। आपको बैठने को कहा है, आइए। तुम्हारा नाम क्या है? वर्णा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सुवर्णा। तुम यही आश्रम में रहती हो? चले? हाँ चलते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, अगर इन्हें काम पे जाना ही था तो किसी जिम्मेदार आदमी को छोड़ जाते हैं हमें आश्रम दिखाने के लिए। वो नहीं नहीं, मैं चाय लाऊं। अरे वरना, तुमने उनको बताया क्यों नहीं कि हम कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं? और तुमको आश्रम दिखाने के लिए कहा था ना, कुछ करती क्यों नहीं? कितने दिन तक चुप बैठोगी तुम? पता नहीं क्या लगा होगा उन लोगों को। वरना, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती जुलती नहीं, बस अपने आप में खोई रहती हो। ऐसा क्यों अर्णा? नहीं ताई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं। वरना, तुम आश्रम के बच्चों से भी बात नहीं करती। अरे इतना क्या शर्माना? जरा सोचो, अगर तुम्हारा आश्रम में ये हाल है तो बाहर की दुनिया में क्या होगा? यहाँ आश्रम में रह के तुम्हें अपने आप में हिम्मत जुटानी है, इतना आत्मविश्वास बढ़ाना है कि अपने पैरों पर खड़ी हो सको। देखो, इसलिए लोगों से मिलो जुलो, उनसे बातें करो, यहीं से शुरुआत करो। पता नहीं ताई, मैं सबसे बात नहीं कर पाती। कोशिश तो करके देखो, कर पाओगी। मैं किसी के साथ नहीं बोलती थी। आश्रम में रोज मेरा झगड़ा किसी न किसी के साथ होता था, तो मैंने ठान लिया कि मैं किसी से बोलूंगी ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि जब मैं सिलाई सीख लूंगी और मैं सिलाई की दुकान चलाऊंगी तो मुझे मेरे ग्राहकों के साथ तो बोलना होगा, वो लेडीज हो या जेंट्स। फिर कुसुम ताई ने उपवास किया, वो यहाँ रत्नागिरी से आई थी, तो उन्होंने ये ठान दिया कि जब तक मैं बोलूंगी नहीं वो खाना नहीं खाएंगे। ताई, बोलो वरना, कैसे आराम हुआ? कुछ काम था? ताई, आज 2 दिन हो गए आपने मेरी वजह से कुछ नहीं खाया। तुमने भी तो 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। ताई, कुछ खा लो ना। वरना, अपने आंसू पोछ लो। तुम जब तक आश्रम के और लोगों से खुलकर बातचीत नहीं करती तब तक मैं अपना उपवास नहीं छोड़ूंगी। मैं कोशिश तो करती हूँ पर मुझे नहीं लगता तुम कोशिश कर रही हो। अगर तुम कोशिश करती तो सफलता जरूर मिलती। जाओ, तुम्हें कोशिश करनी है ना तो जाओ, वंदना को पूछो आज रात को खाने में वो क्या बना रही है, उसे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। जयश्री को पूछो उसका दुख क्या है, उसे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आश्रम के सब लोगों के साथ खुलकर बातचीत करो, तभी मैं अपना उपवास तोड़ूंगी।
जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं। उन्होंने कहा कि तुम किसी से बोलती नहीं हो, जब तक तुम किसी से बोलोगी नहीं मैं उपास नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी, उनके पैर पकड़े और फिर वो मान गए। अरे वरना क्या कर रही हो? कुछ नहीं ताई, थोड़ी सफाई। अरे वरना एक काम करो, उस थप्पी से 10 तारीख का अखबार लेके आओ। हो आंटे। लीजिए ताई। अरे ये कौन सी तारीख का वर्तमान पत्र तुम लेके आई? वो ताई पता नहीं चला इसलिए ले आई। अरे वरना जब तुम सब कुछ कर लेती हो तो पढ़ क्यों नहीं लेती? वो ताई मैं क्या करूँ, मुझे विद्या ही नहीं चढ़ती, मुझे मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वरना ऐसा नहीं है कि तू मेहनत नहीं कर सकती, सिलाई काम कितनी मेहनत से करती हो तुम। ताई पढ़ने में बहुत मुश्किल है, मेरा मन नहीं लगता, जबकि सिलाई मुझे पसंद है, उसमें रोज नया सीखने की मेरी बहुत इच्छा होती है। अच्छा एक काम कर लो, आश्रम का सिलाई कोर्स है वो कर लो, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और कुछ नया सीख भी लोगी। हाँ ताई। नाना। नमस्ते, कैसी हो, कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही नाना, कुछ सिलाई का काम मिला था, बस उसी को देने गई थी। अच्छा तो काम भी मिलने लगा? कभी कभी कोई पहचान वाला दे देता है नाना, वरना एक लड़की को सिलाई का काम करते देख लोगों को बहुत अजीब सा लगता है। आज मुक्ता तेरी तुम्हारी ही बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि तुम्हें गाँव में काम करने के लिए किसी जगह की जरूरत है। हाँ नाना, अगर काम करने लायक एक छोटी सी जगह मिल जाए ना तो मेरी आधी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो समझो तुम्हारी ये मुश्किल दूर हो ही गई। मेरे ध्यान में है तुम्हारे लायक एक जगह है जो मैं तुम्हें बहुत आसानी से दिला सकता हूँ। ठीक है नाना। नाना वंजारे ने मुझे रहने की जगह दिलवाई, उन्होंने मेरा इंतजाम एक बुजुर्ग के यहाँ करवा दिया क्योंकि वो बीमार थे और उनकी देखभाल करनी थी। मैं झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता और घर का सब काम करती थी। लोग कहते थे कि ये आश्रम से आई है, ये आश्रम से आई है, और भी बहुत कुछ कहते थे, पर मैं परवाह नहीं करती थी। मुझे दीदी ने यही कहा था, आज भी मैं वही करती हूँ। मुझे आगे बढ़ना है ना, तो फिर लोग कुछ भी बोले अपने काम से काम रखना और सिर्फ भविष्य की सोचना। ये मंगते है क्या? अरे निकाल यार, देना। क्या पूछता है? ये ले यार, ले चल। तू भी क्या याद करेगा? देख अभी तक बाहर बैठ ले रहे हैं। वही तो देख रहा हूँ। अभी जा रही है। देख वो अंदर गई है, जा 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 जल्दी जा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पर उसने देख लिया तो? अरे डरता क्यों है, मैं हूं ना, तू जा। अरे जा यार, जा यार।
देख क्या जमाना आ गया है, आजकल क्या औरतें कितनी कामचोर हो गई है। वरना बहन मेरे कपड़े तैयार हैं। हाँ हो गए, लो बहन जी। अरे ये क्या, ये कपड़ा तो यहाँ से फटा हुआ है। अरे पहली बार कपड़े सिलाने दिए थे ये सोच के कि अकेली औरत है, तुम इतना काम भी ढंग से नहीं कर पाई। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों मुझे मिलने आए। ये सब तो ठीक है, अब कैसा चला है तुम्हारा काम, कोई परेशानी तो नहीं? अप्पा लोग तो बोलते रहते हैं पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने साबित कर दिया है एक लड़की सिलाई का काम कर सकती है और वो भी अकेली। वरना तुम्हारा आत्मविश्वास देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिंदगी में जो भी तूने चाहा वो ही करके दिखाया, वो तो हो गया, लेकिन आगे का कुछ सोचा है? अरे ताई आगे के लिए तो बहुत कुछ सोचा है, मैं चाहती हूँ कि ये सिलाई का काम मैं और लड़कियों को भी सिखाऊं, और उसके लिए मैंने एक जगह भी देख रखी है, बस थोड़े पैसे हाथ में आ जाए। पर वरना मैं तो तुम्हारे शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता तो है ताई कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर बार बार तुम यही बात क्यों करती हो? पर वरना हम जो लड़के की बात कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान है। अरे अप्पा सब एक जैसे होते हैं, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, वो अपनी रत्ना को देखो क्या हुआ, उसका पति उसे मना कर तो ले गया और नतीजा क्या? रत्ना के साथ ये सब कुछ हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि शादी करके कोई खुश नहीं रहता। ताई तो सुमन का क्या, जिसके पति ने उसको उसके दोनों बच्चों के साथ एक औरत के लिए छोड़ दिया। अरे वरना ये तो जरूरी नहीं उन लोगों के साथ जो हुआ वो तेरे साथ भी हो। अरे अप्पा ऐसा भी नहीं है कि ये सब मेरे साथ नहीं होगा, और शादी के अलावा मेरे पास बहुत से काम है जिसको करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सिलाई काम करके मुझे बहुत फर्क पड़ा है, पहले मैं सिलाई करती थी फिर सिखाने लगी, अब मैं सिलाई सिखाती हूँ, क्लासेस चलाती हूँ, बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों के लिए, कुछ लड़कियां अपंग हैं कुछ लड़कियां सिर्फ दूसरी पढ़ी हैं। आज मेरी अपनी दुकान है, अपना खुद का घर है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं छोटी थी तो पिताजी ने मेरी बड़ी बहन को स्कूल में दाखिला दिलवाया, पर उन्होंने मुझे वहाँ बिठा दिया और मुझे कहा कि जब क्लास में हाजिरी लगे तो तुम्हारी बहन की जगह हाजिरी दे देना। मैं वही करती रही, ऐसे मैंने 3 साल किया तीसरी तक। एक दिन मैं पकड़ी गई तो टीचर ने मुझे खूब मारा और खूब डांटा। बाद में जब मैं अपने लिए दाखिला करवाने गई तो टीचर ने कहा कि तुमने अपने बहन के नाम पर अगर पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तो जब तुम नौकरी करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, तो मैंने पढ़ने का ख्याल ही छोड़ दिया। अब मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ, लेकिन लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। सब सच बताता कुछ न छुपाता।